इंदौर का मशहूर पोहा ढोकला, ढोकला और पोहा दो। बीच बीच में कितने जमाने बाद लगाए हैं? अरे एकदम भी निकलिएगा, दाल वाला है क्यों भाई? पाँच बाद में दे। पैसे का सिक्का ये पोहा 20 का, बहुत बढ़िया स्वीट पोहा, बहुत ही बढ़िया। एक प्लेट कितने की है भैया? 25 से स्टार्ट है। अच्छा, पानी है? हाँ, आज तो इनको स्किन में खिलाना चाहिए। हेल्थ एंड एटीएम केंद्र, ये यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें लगती हैं जिसमें मतलब फास्ट फूड व तमाम टाइप की चीज़ें उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर पान का भंडार है। हाँ, भंडार है। यहाँ पर दोस्तों मॉर्निंग में चाय मिलती है, बहुत ही अच्छी चाय मिलती है। और ये लक्की टी पॉइंट है, इसमें बंद है, चाय है, बिस्किट है, तमाम टाइप के आइटम मिलते हैं इसमें। ये जो है अभी मुझे आपके पीछे है, बहुत अच्छा है। इसमें तरह तरह की अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें ये बनाते हैं। और ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही लखनऊ का दृश्य है ये दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दृश्य। आप देखिए, पीपल के पेड़ हैं और बरगद के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, तमाम टाइप के। हाँ, इतना दर्शनीय जगह है दोस्तों ये देखिए। पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ट्यूटोरियल सेंटर है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स वगैरह का सेंटर है। ओम ट्यूटोरियल्स मैथमेटिक्स वगैरह शिवदास सदन,
बहुत ही सुंदर अच्छी बाटिका बनी हुई है, जो पेड़ है बाटिका। ये देखिए यहाँ पर मसाला बास्केट लिखा हुआ है, मसाला बास्केट दीपान सूप नॉन वेज कॉर्नर, और अरविंदो वाले थापा जी यहाँ पर उनका दुकान है। ये सब पूरा, और ये पुष्प वाटिका जो है फूलों का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। बहुत वहाँ पर आपके अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, अच्छी चीज़ें हैं। मैं सभी को आज लखनऊ के मॉर्निंग वॉक की जो है नए मार्ग से मैं आज चला हूँ, तो उसका दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेक्टर 10 का एरिया है दोस्तों, 10 है, 13 है, 12 है, ये एरिया है, इसका दृश्य मैं आपको दिखा। देखिए बहुत सुंदर सुंदर आलिशान यहाँ पर भवन बने हुए हैं, मकान बने हैं, और फूलों की वाटिका है, फूलों के पेड़ लगे हुए हैं दोस्तों। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, अधिक से अधिक लोग फूल पुष्प लगाते हैं और पेड़ लगाते हैं, ये अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों से ही हमारा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चिड़ियाएँ रहती हैं, चिड़िया चाहती हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर चिड़ियाओं का वास रहता है, चिड़िया चाहती हैं। ये देखिए मैं आन लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मॉर्निंग वॉक में जैसे ही रोज़ निकलता हूँ वैसे ही मैं आपको यहाँ पर ये नींबू का पेड़ है, देखिए नींबू लगे हुए हैं, बढ़िया नींबू लगे हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया नींबू लगे हैं, ये बड़े वाले नींबू हैं दोस्तों। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, और ये आचार के काम भी आते हैं, बहुत देखिए कितने अच्छे नींबू लगे हैं, बहुत ही बढ़िया। मैं खास खास चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये बुद्धा पार्क है, गौतम बुद्धा पार्क, इसमें एक्सरसाइज होती है, मन का देखिए मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है, लोग इसमें मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं। ये बुद्धा पार्क का दृश्य है, देखिए मन का देखिए एक्सरसाइज होती है, लोग घूमते हैं, टहलते हैं, यहाँ पर नज़ारा लेते हैं। ये बुद्धा पार्क है, कितनी अच्छी सीनरी है, यहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं, और इस पार्क को बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है, लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। आनंद लेखनी ब्लॉक में मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबके मंगल बहुत सी कामना करता हूँ, और इसी प्रकार मैं नए नए दृश्य आपको लखनऊ के दिखाते रहूँगा। आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से पूरी लखनऊ का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। भवन यहाँ पर बने हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये सेक्टर 10 का एरिया है, और यहाँ पर बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई लखनऊ में इस समय बहुत ही अच्छी हो रही है। इस समय सभासद के इलेक्शन भी चल रहे हैं, चारों तरफ धूमधाम है, और तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़, लोग व्यस्त हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, दोनों तो सभी प्रकार के दृश्य आपको दिखाऊँगा दोस्तों। ये मैथमेटिक्स IIT और BSc BEW, ये PCM फॉर JP वर्मा जी का है, ये चलाते हैं इस इंस्टीट्यूशन को। यहाँ पर मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है, IIT की पढ़ाई होती है, BSc की पढ़ाई होती है, और 9th से लेके 12th तक यहाँ पर PCM पढ़ाया जाता है। JP वर्मा जी, कोई भी आदमी आकर के यहाँ पर ट्यूशन ले सकता है, ये ट्यूशन का काम करते हैं। ये देखो ये भंडारा लगा हुआ है, भंडारा बहुत ही बढ़िया लगा हुआ है आज, ये देखिए यहाँ कोई भंडारा लगा हुआ है, लोगों को खिलाएंगे, ये इलेक्शन का मौसम चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। तो मैं पूरा आपको हटाई का, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, न्यू मकान बन रहा है, बड़ा मकान बन रहा है, ये मोरंग यहाँ पर डला हुआ है दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन के काम आता है, और ये नींबू का पेड़ है,
ये सफाई का काम चल रहा है लखनऊ में, सफाई बहुत दुरुस्त हो रही है। कहीं पर आपको गंदगी गंदगी करके पूरा आप देखें लखनऊ में। मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि इस समय लखनऊ में एक साल से लगभग सफाई का अभियान बहुत ही ज़ोरों पर चल रहा है, और लखनऊ इस समय पूरे प्रदेश में जो है पूरे उसमें जो है लखनऊ पहला स्थान है लखनऊ का सफाई के मामले में। बहुत ही अच्छी सफाई हो रही है। देखिए ये जो है सेक्टर 11-14 सब इसमें आता है दोस्तों। ये चौराहा है, इधर से मैं मुड़ के यहाँ पर आता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो है ये मीठी नीम है। देखिए ये मीठी नीम मैं तोड़ूँगा, इसको आप चाय में डालिए, पोहा में डालिए और कोई भी चीज़ करिए आप उसमें डाल सकते हैं इसको। ये मीठी नीम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। मैं इसका बहुत सेवन करता हूँ, हर एक आदमी को इसका सेवन करना चाहिए। ये जो है मीठी नीम का पेड़ है दोस्तों, देखिए ये मीठी नीम, ये इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आती है दोस्तों। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये ठंडक होती है, इसमें स्वाद बहुत बढ़िया रहता है। ये कड़ी में डाला जाता है, पोहा में डाला जाता है, तमाम चीज़ों में डाला जाता है। तो अधिक से अधिक लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए, बहुत ही लाभदायक है। और इससे टेस्ट के साथ ये शरीर में तमाम प्रकार के बीमारियों को भी दूर करता है। मीठी नींद में इतनी ताकत होती है, तो ये हम इसको अच्छी प्रकार खा सकते, मतलब किसी भी चीज़ में मिला करके खा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ये डॉगी है, तमाम प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने आपको अपनी मॉर्निंग वॉक का फिर से एक वीडियो बना करके दिखाया, और इसमें लखनऊ में आम का सीज़न आने वाला है दोस्तों। ये आम लगे हुए हैं, देखिए बड़े बड़ा सा पेड़ है, इतने आम लगे हुए हैं यहाँ, आम प्रचुर मात्रा में आम। देखिए ये सफाई अभियान सब चला हुआ है, देखिए सफाई वाले जो हैं अपना सफाई का काम कर रहे हैं। और पूरा लखनऊ 5 बजे से नीट एंड क्लीन। आम मैं आपको दिखाता हूँ, इतने अच्छे आम लगे हैं पेड़ में, देखिए बहुत ही लखनऊ में इतने अच्छे आम होते हैं, पूरे अच्छे अच्छे दाने आम के लटके हुए हैं। देखिए आम यहाँ हर घर के आगे, लगभग हर घर के आगे आम के वृक्ष हैं दोस्तों। और इसमें आम जो है अभी 15-20 दिन के अंदर आम तैयार हो जाएगा। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों सभी को मॉर्निंग वॉक के दृश्य दिखाता हूँ। जिस एरिया में भी मैं जाता हूँ उसका सबको दिखाता हूँ और शेयर करता हूँ। आप कहीं पर से भी आकर के, यहाँ पर आगे परिजात शादी हॉल है, परिजात शादी भवन है, और कहीं पर भी आप लखनऊ मुंसिपुलिया से आगे परिजात शादी हॉल, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वागत द्वार परिजात शादी घर। ये शादी घर है, परिजात शादी घर सामने है। यहाँ पर तमाम प्रकार की शादियाँ हैं, फंक्शन हैं, मुंडन है, जनेऊ है, तिलक है, तमाम प्रकार के एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। तो मैं सबके आज बुधवार के अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज मैंने अपने मॉर्निंग वॉक का दृश्य सबको दिखाया, और यही दोस्तों हमारे जीवन का सबसे बढ़िया चीज़ है। हम बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं तो शुद्ध हवा का सेवन करते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, निरोगी रहता है, स्वस्थ रहते हैं हम लोग, और हमें हमारी आयु बढ़ती है, तमाम प्रकार के रोगों से हमको निजात मिलती है। दवाइयों का कम सेवन करना पड़ता है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और देखिए ये पूरा सफाई सुबह, ये देखिए ये आम का पेड़ है, देखिए कितने अच्छे आम लगे हुए हैं। हर घर के आगे आपको आम
आम ही आम मिलेगा। देखिए ये आम, ये देखिए इतने आम लगे हुए हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया आम का भी। देखिए यहाँ से लखनऊ जो है आम की नगरी है दोस्तों, और यहाँ से लेके माल मलियाबाद तक जो है आम की वाटिका है। अंत में मैं सबके मंगल भोज की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अधिक से अधिक लोग मेरा ब्लॉग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ। देखिए ये तमाम प्रकार की हरियाली मैंने आपको दिखाई, हर घर में हरियाली है, और इसमें देश में हर चारों तरफ अच्छा वातावरण है, सब लोग सही मार्ग पर जा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अगर देश में सफाई है, रोड है, पानी है, बिजली है, तो हमारा जीवन वैसे ही अच्छा होता है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, यही चीज़ें मानव जीवन में सबसे मूल होती हैं, और इसी से हमारा जीवन अच्छा बनता है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, गरीब लोगों को खाना मिलता है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी लखनऊ में होती हैं। मैं अंत में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है, आज बुधवार के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और अधिक से अधिक लोग मेरा ब्लॉग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।